नमस्कार, मैं भरत कुमार, प्राथमिक विद्यालय गिरौला जनरलदार से प्रधान अध्यापक। आज हम पढ़ाएंगे गुणा, गणित विषय में आज हमारा प्रकरण है गुणा। और मैं आपको पढ़ाऊंगा गुणा का प्रयोग क्या होता है, गुणा की अवधारणा क्या है, अवधारणा का मतलब एप्लीकेशन, हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, गुणा की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गुणा का चिन्ह क्या होता है। एक क्रॉस ऐसे, टेढ़ा डंडा ऐसे, टेढ़ा डंडा ऐसे, ऐसे करके जो चिन्ह होता है वो गुणा का होता है। अब तक आपको आता है जोड़ का चिन्ह क्या होता है, कौन बताएगा? प्लस। प्लस ऐसे, एक सीधा डंडा ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, सीधा एक खड़ा, ये जोड़ होता है। और सीधा खड़ा हुआ डंडा ये जोड़, ये घटाना, और ये हो जाती है गुणा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास पांच आदमी है, ये मैंने बना दिए पांच आदमी, एक दो तीन चार पांच। एक आदमी को मैंने 3 किलो आम दिए, तीन इसको दिए, तीन इसको, तीन इसको, तीन इसको, तीन इसको, तो कुल मिला के कितने आम हो गए? 15 किलो। 15 किलो। तो हमने क्या किया, तीन 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 जोड़ दिए, पांच बार, तीन और तीन छह, और तीन नौ, तीन बारह, और तीन 15 किलो आम हो गया। इसका दूसरा तरीका है, एक तरीका तो यह जोड़ के, दूसरा तरीका इसका यह है कि हमने पांच आदमियों को दिए 3 इनाम, तो 5 में 3 की गुणा कर दी, 5 दिया 15 हो गया। बात समझ में आ गई, इसको कहते हैं गुणा। जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की जगह जितनी बार जोड़ा जाता है उतने की उसमें गुणा कर देते हैं। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, अभी तो 5 आदमी है और 3 किलो आम दिए गए, मान लीजिए आदमी बहुत ज्यादा हो जाए, आम भी बढ़ जाए, तो गणना बड़ी हो जाती है, तो गुणा से संभव होती है, वो गणनाएं आसानी से संभव नहीं होती है जोड़ के माध्यम से। जैसे इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए 1545 आदमियों को हमने 4-4 किलो चीनी दी, तो बताओ कुल कितनी चीनी लगी? तो 1545 बार 4-4 किलो को जोड़ोगे क्या? नहीं जोड़ोगे तो क्या करोगे, क्या करोगे? आप करके दिखाओ, दुर्गा करके दिखाएगी। 1545 लोगों को हमने बस 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 गुणा कर दो, 1545 में 4-4 किलो चीनी थी, 4 की गुणा हो जाएगी। इसको इधर लिखो, इसके नीचे लिखो, यस, गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक, बोल के करो। 4×20 बीस की जीरो, वेरी गुड। 4×16 हाँ से एक, 4×20 एक, हाँ से दो, 4×4 तो 1545 लोगों को 4-4 किलो चीनी दी गई, तो कुल मिला के कितनी चीनी लगी? 6780 किलोग्राम चीनी। तो गुणा से आपने आसानी से कर दिया, यही गुणा का प्रयोग है कि जब जोड़ को बहुत ज्यादा बार करना हो और आसान ना हो करना, तो गुणा से आसान हो जाता है। तो जोड़ भी एक तरह का गुणा ही है। अभी हम आपको दिखाते हैं गुणा की अवधारणा का, हमने चार्ट बनाया है, ये देखिए, दो 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 लड्डू हमने रख दिए, दो लड्डू ये, दो लड्डू ये, दो लड्डू ये, 10 बार रख दिए तो कितने हो गए? 20। यहां हो जाएंगे 20। अब ये पहाड़े का कंसेप्ट है, दो लड्डू एक बार है, दो एक कम को, दो लड्डू दो बार है, 2+2 4, दो लड्डू 3 बार है, 2+2+2 6, दो लड्डू 4 बार है, 2+4 दो लड्डू 5 बार है, 2+2 दो लड्डू 6 बार है, 2+8 अच्छा 7 लड्डू 5 बार है, तो 7×35 4×3 बार है, तो 4×3 बार या तो 4+4+4 कर दो, 4 और 4 8 और 4 12 या 4×3 बार, क्लियर? बात समझ में आ गई, ये है गुणा की अवधारणा, गुणा के अनुप्रयोग। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, ये ध्यान रखेंगे कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तब गुणा करते हैं। दूसरा सवाल है, एक कक्षा में 37 छात्र है, प्रत्येक छात्र को 7 ट्रॉफियां दी गई, तो बताइए कुल मिलाकर कितनी ट्रॉफियां दी गई, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे, वेरी गुड, 37 में 7 की गुणा करेंगे, करिए करके दिखाइए, थैंक यू।